ऑलराइट गाइस, तो चलो अब अपन कुछ वेक्टर्स जो आप लोगों ने पढ़ा है, जो एडवांस लेक्चर आप लोग फिजिक्स के देख रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, ओके गाइस, देखो आपने पढ़ा था कि सपोज दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, सपोज दिस इज योर वेक्टर ए, एंड सपोज दिस इज योर वेक्टर बी, ठीक है, और अज्यूम करो कि इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। तो आपने गाइस रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, और वो था अंडर रूट ऑफ, किसी को ध्यान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, अपने पास ये वाला फॉर्मूला था। तो आर यहां पे क्या कहते हैं अपन, आर को अपन कहते हैं गाइस आर इज रिजल्टेंट, यस, सो आर डिनोट्स फॉर रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहां तक का ये वाला पोर्शन आप सबने वीडियो लेक्चर में देख लिया था। अब गाइस देखो, इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो लिखो आप लोग। ओके, इफ टू वेक्टर्स, मैं लिखता हूं यहां पर, इफ जस्ट अ मोमेंट गाइस, यस, सो इफ टू वेक्टर्स, सर यार स्क्रीन इज फ्रीज्ड। नो सर, इट्स गाइस सबको ऐसा हो रहा है क्या? नो सर, इट्स फाइन। प्रॉब्लम इन वंश नेटवर्क। ओके वंश, आपके शायद नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा होगा बेटा, है ना? ठीक है, सो इफ टू वेक्टर्स, इसमें पहला वेक्टर जो है ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 2p, दूसरा वेक्टर जो है, जो दूसरा वेक्टर सो वॉइस इज ब्रेकिंग, यस सर, योर वीडियो इज पॉज्ड, यस सर, आल्सो फ्रीज्ड, सर ऑडियो कुछ भी नहीं आ रहा, सर आज लैब द मीटिंग कुछ नेटवर्क इशू। ओके गाइस, एम आई ऑडिबल सबको? यस सर, यस सर, यस, जस्ट अ मोमेंट गाइस, ना थोड़ा नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2p है, दूसरे का मैग्नीट्यूड रूट 2p है, एंड द रिजल्टेंट इज
p root 10 एंड द रिजल्टेंट इज पी रूट 10. आपको फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. आपको इन दो वेक्टर्स के बीच में गाइस एंगल फाइंड करना रहेगा. अगर एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2p है, दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड गाइस रूट 2p है, ठीक ना, तो आपको इसका एंगल फाइंड करना रहेगा कि इन दो वेक्टर्स के बीच में गाइस एंगल क्या होगा. ओके, एक बार ट्राई करो सब लोग. इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या रहेगा गाइस? ओके मयंक, ठीक है, देखते हैं क्या आता है. बाकी सबका आया क्या? देखो गाइस ट्राई करें, या अभी आप कर रहे हो? तो वी आर ट्राइंग. ओके ठीक है, यश देखते हैं यश क्या आता है. सर ट्राइंग ट्राइंग. ओके ट्राई करें गाइस अब. ओके चलो, तो देखो गाइस आर वेक्टर है ना, तो आर का अगर आप फॉर्मूला रिकॉल करो तो वी नो दैट कि आर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर. तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर करो सर. यस सर के आगे भी कुछ बोलो. ओके तो ए स्क्वायर हो जाएगा गाइस आपका 2p स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो b स्क्वायर. अब b स्क्वायर अगर अपन करेंगे गाइस तो ये हो जाएगा आपका रूट 2p का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab. सो 2 ए की वैल्यू 2p और b की वैल्यू गाइस रूट 2p, ठीक है, और साथ में क्या आएगा cos थीटा. गाइस आपने यहां तक तो किया था, ठीक है, ऑल राइट. अब अगर अपन r की वैल्यू यहां पुट कर दें गाइस दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ठीक है, अगर अपन r की वैल्यू यहां पे पुट कर दें जो कि थी p रूट 10 और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो. जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे गाइस तो राइट साइड में जो रूट है वो हट जाएगा, ठीक है, तो 2p स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास
4p square plus root 2p का square. Guys, root 2p का square कितना हो जाएगा? 2p square. 2p square. Plus 2 into 2, 4. 4 root 2 p. 4 root 2 p. P square cos theta. ठीक है, अब राइट साइड में स्क्वायर को ओपन करो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? टेन रूट सर या देगा टेन स्क्वायर. यस, टेन पी स्क्वायर सर. अरे हाँ बेटा, आगे बोलो सर. वन अंडर रूट टू है? वन अंडर रूट टू नहीं, एक बार आपको देखना है ना. टेन पी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका फोर स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा सिक्स पी स्क्वायर प्लस फोर रूट टू पी स्क्वायर कॉस थीटा. अब गाइस देखो, एक चीज ऑब्जर्व करना, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, सब में एक चीज कॉमन आ रही है और वो क्या है? पी स्क्वायर. तो पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. अब सिक्स को यहां ले जाओ, सिक्स को ले जाओ इधर लेफ्ट साइड में, तो टेन माइनस सिक्स हो जाएगा इधर इक्वल्स फोर रूट टू कॉस थीटा. सो नाउ टेन माइनस सिक्स इज फोर. फोर इक्वल्स फोर फोर रूट टू कॉस थीटा. सो गाइस कुछ कैंसिल हो रहा है? यस सर. फोर से सर यहाँ सर मैंने भी ऐसे किया था सर, वन अंडर रूट टू ये कॉस थीटा ही बचा था मेरा भी. हाँ तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका वन अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट टू. सर व्हाट दैट आई वांट टू से ओनली सर, हाँ वन अपॉन अंडर रूट टू. वन अपॉन अंडर रूट टू सर आई हैव रिटन इन द मैसेज आल्सो. अच्छा हाँ, नहीं वो मिल गया था. ठीक है, अब गाइस वन अपॉन अंडर रूट टू कौन से एंगल पे होता है? 45 डिग्री. थीटा आ जाएगा 45 डिग्री. ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस. देखो कोई क्वेरी किसी को? नो. चलो सर, मैंने स्क्वायरिंग करते समय वो फोर जो पी स्क्वायर लगाना भूल गया. हाँ. तो बस यही गाइस ध्यान रखना है अपन को इसके अंदर. ठीक है ना? ऑल राइट, ओके. अब देखो आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. एक ओके गाइस, जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स को अपन ऐड करते हैं है ना, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना पॉसिबल है? पॉजिटिव वन नहीं, मैक्सिमम रिजल्टेंट ए प्लस ओके सर, ए प्लस बी और मिनिमम ए माइनस बी. यस कॉमा और मिनिमम पॉसिबल है गाइस, बिल्कुल सही, ए माइनस बी का मॉड्यूलस. ठीक है ना? ठीक है, अब देखो मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना इस चीज को. ठीक है ओके गाइस, आपके पास दो वेक्टर्स हैं है ना, दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट पॉसिबल है. एक सेकेंड, आपके पास दो वेक्टर्स हैं. यस, तो आपको लैंग्वेज लिख के देता हूं मैं. मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट of two vectors is 17 unit and 7 unit. ठीक है, maximum possible है 17, minimum possible है 7 unit. ठीक है, full stop. If these two vectors are, if these two vectors are at right angle
टू ईच अदर फाइंड रिजल्टेंट. All right, try करो. Sir, 13 आएगा क्या आंसर? देखते हैं. Let us see. सबको एक बार try करने दो. Yes sir, 13. 13 आ रहा है? Yes sir, 13. Okay. बिल्कुल ठीक है. Yes guys, बिल्कुल ठीक है ना. तो कोई बताएगा मेरे को, कोई एक्सप्लेन करेगा अपने ओन वर्ड्स में किस तरह से आया गाइस आपका 13? यस. एक सेकंड, कौन-कौन है पहले एक बार हैंड रेज करके बताना चाहेगा, कौन-कौन एक्सप्लेन करना चाह रहा है? ओके, चलो यश खंडेलवाल. यश आप बताओ, ट्राई करो. यस सर, एम आई ऑडिबल? यस यू आर कंप्लीटली ऑडिबल. सर, अपन को ये बताया कि किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करने का मैक्सिमम रिजल्टेंट ए प्लस बी हो सकता है. बिल्कुल सही तो है. एक इक्वेशन ये बन जाएगी कि ए प्लस बी इक्वल 17, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है मैक्सिमम 17 है. बिल्कुल सही है. इसी तरह से दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी कि ए माइनस बी इक्वल 7. तो फिर सर, दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, तो सर अपन ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. ए की वैल्यू आ जाएगी 12 और बी की वैल्यू आ जाएगी 5. और अभी 90 डिग्री पे किस रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एग्जैक्टली, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस दो सर वैल्यूज पुट कर देंगे और 13. एग्जैक्टली, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जाएगा रूट 169. और इस तरीके से रूट 169 का अगर अपन रूट लेंगे गाइस, तो वो आएगा आपका 13 यूनिट्स. ऑलराइट, कोई क्वेरी किसी को उसके अंदर? नो सर. ओके, ऑलराइट. अब अपन देखो कुछ और एग्जांपल्स पे आते हैं. ओके गाइस, आप लोगों ने यह फॉर्मूला देखा है क्या, कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करें और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो अपन ने आर क्या डिराइव किया था, किसी को ध्यान है? नो सर. ये हम दिखावा नहीं. अगर दो वेक्टर्स जिनको अपन ऐड कर रहे हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड ही सेम है, तो अपन आर वेक्टर का कोई फॉर्मूले पे पहुंच सकते हैं क्या? देखो सर. नो सर, वी हैव नॉट डन दिस. अभी नहीं पढ़ा है अपन ने. ठीक है. तो चलो मैं आपको न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में करा रहा हूं एक चीज इसको. ठीक है, ओके. क्वेश्चन ये है गाइस, देखना. इफ आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के और वो भी बराबर है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, देन फाइंड एंगल बिटवीन देन फाइंड angle between the two vector. Okay? अगर दो vectors जिनका magnitude same है और resultant का magnitude भी वही है जो उन दो vectors का magnitude है, तो r vector क्या आएगा? 0 degree? नहीं, 0 degree जिसने भी बोला गलत है. एक बार वापस सोचो. यश, नहीं बेटा ये नहीं आएगा. एक बार वापस से ट्राई करो. क्या होना चाहिए? 60 degree. कितना, किसने बोला 60 degree? गौरव. ओके गौरव, ठीक है. सर, cos inverse 1/4 आ रहा है मेरा तो. नहीं, 1/4 नहीं आएगा. वापस सोचो एक बार. यस बेटा. सर 120 degree? नहीं. सर 120 degree नहीं है. अच्छा, 120 degree कह रहे हो कि आप? हाँ, सॉरी. यस सर. यस सर. देखते हैं.
लेट एवरीवन ट्राई एक बार देखते हैं. देखते हैं. अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर क्या है, लेट अस सी. 120 के लिए भी काफी कह रहे हैं बच्चे. ट्राई करें. यस सर. ओके, जैसे मान लो गाइस कि आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन सबका मैग्नीट्यूड सपोज मान लो कि एक्स है, अज्यूम करो एक्स है, ठीक है. तो अगर अपन रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है. अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो गाइस इसके अंदर. आर की वैल्यू पुट करो एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा. गाइस एम आई करेक्ट? ठीक है. अब दोनों साइड में देखो, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. तो आपके पास इधर बचेगा जीरो इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा. तो गाइस अगर अपन इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, तो यहां से आप रिकॉल करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो देखोगे आपको कि कॉस थीटा जो आ रहा है माइनस वन बाय टू, वो कितना आ रहा है, वन बाय टू, माइनस का वन बाय टू. यस, वेरी गुड. सो कॉस थीटा इज कमिंग आउट टू बी माइनस का वन अपॉन टू. एंड कॉस थीटा माइनस का वन अपॉन टू, गाइस कॉस थीटा माइनस का वन अपॉन टू होता है, बिल्कुल सही. थीटा होता है एट 120 डिग्री, ठीक है. तो आगे से रिजल्टेंट, आगे से ये चीज अपन को ध्यान ही रखना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही है, तो उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बनेगा गाइस कितना, 120 डिग्री. ओके, कोई तकलीफ किसी को उसके अंदर? एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा. ना अगर यहाँ पे दो वेक्टर के बजाय तीन होते तो भी आंसर 120 ही रहता ना. एक्चुअली क्या है, तीन वेक्टर्स अगर होते तो पहले अपन दो का निकालते और फिर उसके बाद अपन तीसरे वाले का निकालते है, सच. ठीक है सर. ओके, यस बेटा. सर मेरा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स तक आ गया था, लेकिन सर मैंने यहाँ ना एक एक्स स्क्वायर काट दिया था, तो मेरा टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा आया था. वही गड़बड़ हो गई सारी का, है ना. अब ध्यान रखना गाइस नेक्स्ट टाइम से. ऑलराइट, ठीक है, चलो. ओके, अब गाइस आप लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़ा था? यस सर. यूनिट वेक्टर, यस सर, क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? सर अ वेक्टर व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट एंड इट्स सोल पर्पस इज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन. एग्जैक्टली, तो यूनिट वेक्टर होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इसका नाम ही क्लियर है. यूनिट मतलब होता है एकता, एकता मतलब होता है 1. वेक्टर व्हिच हैज ओनली 1 मैग्नीट्यूड. तो गाइस अगर अपन यहां पर ऐसे देखें कि एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है, है ना, एंड सपोज दिस इज योर, सॉरी जस्ट वन मिनट, सपोज वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है, जेड वाई और एक्स. सर यूनिट वेक्टर में जेड एक्सिस अभी हमें इतना क्लियर नहीं है. अच्छा अभी क्लियर नहीं है. जेड एक्सिस का मतलब ये है यहाँ पर बेटा कि वो जो एक्सिस है, मतलब वो इसके क्वेश्चन नहीं करवाए सर ने. अभी मैं वही करा रहा हूँ, अभी अभी अपन उसी पे बात करें यहाँ पर, है ना. तो आप लोगों ने गाइस यूनिट वेक्टर्स बनाए थे यहाँ पर, एक्स के अलोंग कौन सा मार्क किया था आपने, नाम याद? आई कैप, आई कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप. वेरी गुड. तो आई आई कैप था एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग था जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग था गाइस के कैप. सबको ध्यान है ये अच्छी तरीके से? यस सर. ठीक है,
अब देखो इससे रिलेटेड अपन एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता ही है एग्जाम्स में जनरली. ओके लिखना गाइस सब आप साथ साथ ही लिखते हैं ना. अ पर्सन मूव्स 80 रूट 2 किलोमीटर. अ पर्सन मूव्स 80 रूट 2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट. ठीक है अ पर्सन मूव्स 80 रूट 2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट देन 2 मीटर ड्यू वेस्ट. ठीक है एक पर्सन जो है वो 80 किलोमीटर पहले नॉर्थ ईस्ट गया सॉरी 2 मीटर नहीं है सॉरी इट इज 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर ड्यू वेस्ट फुल स्टॉप. Find the net displacement. Find the net displacement. Displacement net बताना का मतलब ये है गाइस कि आपको ना बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आंसर देना रहेगा यहां पर. ठीक है एक बार ट्राई करो उसको. तो पहले अपन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मार्क कर देते हैं. सो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट तो आंसर्स आने शुरू हैं. ओके गौरव कोई इशू नहीं है. गाइस ट्राई करें स्टार्ट करें. सर मेरा यूनिट वेक्टर नोटेशन में तो आ गया. ठीक है कितना आ रहा है वो सर 78 आई कैप प्लस 80 जे कैप. ठीक है ठीक है ठीक है. यार गाइस एक छोटी सी गड़बड़ हो गई मेरे से है ना जस्ट अ मोमेंट. ये एक्चुअली 20 किलोमीटर है सॉरी इट इज 20 किलोमीटर. ओके इट इज नॉट 22 किलोमीटर इट इज 20 किलोमीटर. अब थोड़ा सा वापस एक बार मॉडिफाई कर दो क्वेश्चन को. सर 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप. सर 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप. ठीक है ठीक है. चलो अब अपन ट्राई करते हैं एक बार जिससे इसको किसी कोई है जिसको नहीं आया है सबको आ गया सबको सर मेरे को नहीं आया. ओके चलो गाइस देखो सबसे पहले आप इसमें ये चीज देखो कि पहला डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है नॉर्थ ईस्ट. तो ये आपने बना दिया इधर नॉर्थ ईस्ट लाइक दिस. ठीक है
अब गाइस ये बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल मिड पॉइंट से निकल रहा है, तो बिल्कुल मिड पॉइंट से निकल रहा है तो आपका ये वाला एंगल कितना हो गया? 45. वेरी गुड, 45 डिग्री. इज दैट ओके? यस. तो अब अपन यहां पर लिखते हैं इसका पहला डिस्प्लेसमेंट. तो मैंने लिख दिया इसको ऐसे, डिस्प्लेसमेंट वन वेक्टर. ओके, सो 80√2 है गाइस. तो अब आपको सबको पता है कि अपन कॉम्पोनेंट करते हैं तो एक होता है कॉस 45 और एक होता है साइन 45. सबको ध्यान है नहीं? यस सर. ठीक है, तो अब अपन लिखने का ट्राई करते हैं. तो ये आ जाएगा 80, जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड. सर आ जाएगा आपको, यस बेटा. सो मेरा 100 किलोमीटर 53 डिग्री नॉर्थ वेस्ट आ रहा है आंसर. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं अपन, है ना. 100 किलोमीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट आ रहा है. चलो देखते हैं. सॉरी सॉरी सर, ईस्ट ईस्ट ईस्ट. ठीक है, देखते हैं, है ना. चलो देखते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट वन कितना हो जाएगा आपका? देखो, डिस्प्लेसमेंट वन हो जाएगा आपका 80√2 कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस 80√2 साइन 45 जे कैप. गाइस इज दैट ओके? यस सर. ठीक है, तो अब यहां से आपका जो डिस्प्लेसमेंट वन आ रहा है डी वन वेक्टर 80√2 कॉस 45, कॉस 45 होता है 1/√2, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल. यस, तो ये आएगा आपका 80 आई कैप प्लस 80 जे कैप किलोमीटर. इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा. नो सर. ठीक है, अब सिमिलरली गाइस अगर आप गौर करो डी टू वेक्टर के लिए, तो डी टू वेक्टर 20 किलोमीटर वेस्ट है. वेस्ट का मतलब ये ऐसे बने माइनस आई कैप डायरेक्शन इस तरह. वेरी गुड, माइनस का आई कैप डायरेक्शन. ठीक है, तो माइनस का 20 आई कैप किलोमीटर. ठीक है गाइस, यहां तक बिल्कुल क्लियर सबको? यस सर. ठीक है, चलो अब अपन निकाल लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर इज इन दोनों का एडिशन. तो गाइस दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो देखो 80 आई कैप और माइनस का 20 आई कैप कितना हो जाएगा? 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप बिकम 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप किलोमीटर. और अगर मेरे से गाइस इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, जो कि पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, पूछा ही जा रहा है, तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर. गाइस ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा आपका 10,000. सो विच इज 100 किलोमीटर. ये तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया. और अब मेरे को डायरेक्शन निकालनी है अगर, तो डायरेक्शन के लिए वी नो दैट कि टैन थीटा जो होता है एक्स कंपोनेंट अपॉन होता है वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट. ध्यान रखना हमेशा, वाई कंपोनेंट जो है वो है यहां पर 80, एक्स कंपोनेंट है यहां पर 60, तो विच इज 4/3. ठीक है, एंड 4/3 थीटा होता है 53 डिग्री. गाइस हाँ या ना? यस सर. तो यहां पर जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो दोनों प्लस में आ रहे हैं. अब प्लस में कब पॉसिबल है? जब वो नॉर्थ ईस्ट की साइड डायरेक्शन में हो. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर एट 53 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. देखो गाइस सब लोग एग्री कर रहे हैं क्या इस चीज पे? यस सर. पक्का ना? ठीक है. यस सर. ऑल राइट, ओके. ओके, सपोज आपके पास गाइस सपोज आपके पास
एक वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर है थ्री जे कैप माइनस के कैप, और सी वेक्टर है जस्ट अ मोमेंट, यस सिक्स I कैप माइनस का टू K कैप। ठीक है, आपको फाइंड करना है फाइंड A वेक्टर माइनस टू B वेक्टर प्लस थ्री C वेक्टर। ट्राई करो। ए वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर प्लस थ्री सी वेक्टर। आया किसी का? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, यस सही यार। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अपन ट्राई करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका गाइस, देखो 2 आई कैप प्लस जे कैप, ये आपका हुआ ए वेक्टर। ठीक है, नाउ माइनस साइन टू बी वेक्टर, तो टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिक्स जे कैप माइनस का टू के कैप। ठीक है, प्लस थ्री सी वेक्टर, सिक्स आई कैप माइनस का टू के कैप। All right. तो अब आप गौर करो तो देखो आई कैप वाले कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो आ रहा है आपका टू आई कैप प्लस 18 आई कैप। ठीक है ना गाइस, ऐसे लिख रहा हूं, है ना? यस सर। ओके, यस सर। उसके बाद प्लस का जे कैप और माइनस का 6 जे कैप आ रहा है, और अगर आप के कैप पे गौर करो तो एक आ रहा है प्लस का टू के कैप और माइनस का सिक्स के कैप। अगर अपन इसको सॉल्व कर लें गाइस तो ये आ जाएगा आपके पास 20 आई कैप, 20 के आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस का 5 जे कैप माइनस का 4 के कैप। इज दैट ओके? Yes, देखो आई होप किसी को कुछ कोई डाउट, किसी को अगर पेंडिंग है तो पूछो एक बार इसके अंदर कुछ भी। नो सर। ओके, ऑल राइट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पे आते हैं अपन, जस्ट अ मोमेंट। आप लोगों ने अभी वो थोड़ी ना पढ़ा है, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आपने नहीं पढ़ा है अभी, है ना सर? डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया अभी? यस सर, डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया। वेक्टर वाला नहीं, डॉट प्रोडक्ट हो चुका है। यस सर, डॉट वाला हो गया, डॉट वाला हो चुका है। डॉट डॉट प्रोडक्ट, यस यस। कोई कोई कुछ कहना चाह रहा है? कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? ओके, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर गाइस मैं एक बार आपको आपस बता दूं, अगर आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं तो अगर हम दो वेक्टर्स का आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट, तो फॉर्मूला होता है ए बी
cos theta. सबको ध्यान है ना ये? Yes, sir. AB cos theta होता है, ठीक है? All right, चलो अब इससे रिलेटेड देखो एग्जांपल लेते हैं एक. ओके, इफ अ वेक्टर, इफ अ वेक्टर 2i cap प्लस 3j cap प्लस 8k cap is perpendicular, is perpendicular to 4j cap plus alpha k cap minus 4i cap, then find alpha. Then sir, find alpha नहीं आया था sir. Alpha. कोई बात नहीं. Alpha. आप लोगों ने guys ये वाला formula तो पढ़ा ही है. A dot B वाला है ना. देखो इस according try कर सकते हैं अपन. करो एक बार try करके देखो. बस ये लास्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं अपन. आराम से ट्राई करो एक बार. ट्राई करें. गाइस अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो. इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो होगा जीरो. क्या सब लोग इस बात पे एग्री कर रहे हो? यस सर. इसका मतलब अपन इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालें और फिर जीरो के इक्वल पुट करते हैं. चलो अपन डॉट प्रोडक्ट निकालना शुरू करते हैं. तो आई कैप को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करो तो 2i cap यहां पर है और -4i cap यहां पर है. जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? -8i cap. माइनस का 8i cap नहीं आता कभी भी, ध्यान रखना. जब भी अपन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई कैप नहीं आएगा. i cap.i cap 1 हो जाएगा. इज दैट ओके? यस सर. अब सिमिलरली आप j कैप को मल्टीप्लाई करो तो देखो 3j कैप है और 4j कैप है तो 3 4 सा 12. और फिर गाइस देखो k कैप को देखो तो यहां पर 8 k कैप है और यहां पर अल्फा k कैप है तो ये हो जाएगा 8 अल्फा और इनका डॉट प्रोडक्ट 0. सबको क्लियर है क्या? देखो एक एक स्टेप बिल्कुल. यस सर. ठीक है. ऑलराइट तो अब -8 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 4. सॉरी माइनस 8 प्लस 12. यस सर. अल्फा इक्वल 0.5 या माइनस 0.5? माइनस 0.5 गाइस. माइनस का 0.5. ध्यान रखना ऑप्शन में प्लस 0.5 भी है तो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए अपन से. इज दैट ओके? तो जब भी अपन को दो वेक्टर्स का गाइस डॉट प्रोडक्ट निकालना हो आप सिंपल सा है आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जे कैप को जे कैप वाले से करो, के कैप को के कैप वाले से करो और अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट अपन जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं. सर ये -0.5 का मतलब यही है ना कि ये नेगेटिव एक्स नेगेटिव टी कैप में नेगेटिव जेड डायरेक्शन में. बिल्कुल सही है. ओके बिल्कुल ठीक है. ठीक है गाइस. ऑलराइट ओके. देखो आज के एग्जांपल्स में कोई डाउट किसी को कुछ भी? नो सर.
ठीक है चलो नो सर ओके गाइस ऑल राइट ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू सर ओके थैंक यू थैंक यू गाइस थैंक यू